नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मेरे एक मित्र ने मुझसे वीडियो पे पूछा कि आप विपासना पे गए थे तो क्या आप उसका रेगुलर ध्यान कर पाते हैं सुबह शाम? क्या आप इतने पंचुअल हैं कि हर किसी को उम्र भर करना पड़ता है ध्यान, या एक बार शिविर लगा के 10 दिन का बस से काफ़ी हुआ? तो मैं उनके लिए जवाब देना चाह रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया या जो मैं अपना रहा हूँ। मुझे डेली टाइम नहीं मिलता रोज़ाना सुबह शाम कि मैं ध्यान कर पाऊँ विपासना का। तो अब भी क्या हुआ है कि मैं कुछ भी करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ या कहीं पे भी बैठा हूँ, तो उसी में मैं अपना कोशिश करता हूँ कि उसी में अपना ध्यान लग जाए मेरा। मैं हर चीज़ में, हर काम में, हर घूमते हुए फिरते हुए मैं यही रखता हूँ कि उन चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाऊँ। चीज़ें कैसी घट रही हैं, दिन कैसे ढल रहा है। अभी जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम पानी को बहते हुए देख सकते हैं, कहीं गार्डन में गए हुए हैं तो वहाँ पे बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं, वही ध्यान है। वहाँ हमें लास्ट डे सिखाई गई थी प्रज्ञा। उसमें क्या होता है कि चीज़ों को वैसे के वैसे देखना जैसी वो हैं अपने रियल रूप में। तो वही मैंने कुछ से अपना लिया है अपनी लाइफ में कि जहाँ पे भी होते हैं उसको भली भांति देखते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, बस उसको तटस्थ भाव से अपना देखना ही मेरे अनुभव में ध्यान का एक रूप बन चुका है। तो ये मेरी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, तो मुझे उसके लिए स्पेशली टाइम नहीं निकालना पड़ता। अभी जैसे यहाँ पे आए हुए थे तो हम यहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही हैं, आदमी काम कर रहे हैं, चाहे पक्षी उड़ रहे हैं, चाहे पानी बह रहा है, हवा चल रही है, मौसम है, धूप निकली हुई है, हम सारी चीज़ों को देख के बस ध्यान में डूब सकते हैं। जो भी अपने पास हो रहा है, अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को भुला के इस पल को जो ये पल है इसको एंजॉय कर सकते हैं, इस पल में डूब सकते हैं कि क्या चल रहा है। अभी हवा कैसी चल रही है भाई, धूप निकली हुई है या छांव है या पक्षी बोल रहे हैं, जो भी है, ये जो कुछ भी अपने पास है, पानी का स्पर्श, हवा का स्पर्श, ये सभी कुछ मेरे अनुभव में एक ध्यान ही है। तो ये मैंने अपना लिया है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सभी के लिए होगा ये, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ बस, और इससे मुझे क्या मिलता है। इससे मेरे अंदर कुछ पल के लिए जब मैं बैठता हूँ, इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे शांति अनुभव होती है। अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को भूल के जब मैं बैठता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है। ये मेरे लिए कारगर हुआ है सिद्ध। ये सब पे डिपेंड है पर्सन टू पर्सन कि वो इसको करे या ना करे, लेकिन मैं जो करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ।